टीजीटी पीएचडी मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस डे नंबर 64। अब टॉपिक हम स्टार्टिंग करने वाले हैं एरिया बाउंडेड कर्व्स। ठीक है, तो एरिया बाउंडेड कर्व्स के लिए जैसे कि मान लिया टू कर्व्स हैं, है ना, और एक दूसरे कट कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। एक कर्व है वाई इक्वल टू एफ वन एक्स, दूसरी है वाई इक्वल टू वाई वाई वन इक्वल टू एफ वन है, वाई टू इक्वल टू एफ टू एक्स। या ये हो सकता है कि मान लिया कोई कर्व है उसको कोई लाइन कट करे, तो इसके जो बीच का एरिया आएगा इसका एरिया हमको फाइंडिंग करना है। बीच का एनक्लोज्ड एरिया यानी कि उसके द्वारा कर्व के द्वारा घिरा हुआ एरिया। ठीक है, तो लाइन किसी कर्व को काट सकती है या फिर कोई दो कर्व्स काटें तो उसको लेकर यहाँ पे कई पॉइंट्स बनेंगे। एक लाइन का लाइन में फॉर्मूलाज बनेगा और एक दो कर्व्स होंगी तो उनके लिए अलग फॉर्मूला रहेगा। तो मान लिया जिस लिमिट से जा रहा है एक्स इक्वल टू ए टू मान लिया एक्स इक्वल टू बी तक कट कर रहा है और कोई लाइन कट को कर्व को कट करी तो उसमें हम पॉइंट निकाल लेंगे। एक कर्व मान लिया हमारी एफ ऑफ एक्स है तो एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी वाई डी एक्स। ठीक है, तो ये तो जनरल सा फॉर्मूला हो गया। अगर दो कर्व कट कर रही हैं तो एरिया हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट्स पे लिमिट निकाल लेंगे कहाँ से कट कर रहा है, इंटीग्रेशन लिमिट टू वाई वन डी एक्स माइनस ए टू बी वाई टू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो कर्व्स होंगी उनके लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, दो कर्व कट करेंगी तो ये तो थी जनरल सी बात है। काफ़ी कर्व्स कट करें या फिर उसमें मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बनाने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ पे किस तरह की कंडीशंस आएंगी। अब मैं इसमें कुछ डायरेक्ट पॉइंट देने वाला हूँ, जैसे कि आगे हमारे पॉइंट से द रीजन, ये क्वेश्चन बहुत आता है, द एरिया ऑफ द रीजन रीजन बाउंडेड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर बी वाई। मतलब दो पैराबोला है, एक तो है हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स है एंड दूसरा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर बी वाई इज सिक्सटीन ए बी अपॉन थ्री स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड दो पैराबोला है, एक पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स एंड दूसरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर बी वाई। ये सिक्सटीन ए बी अपॉन थ्री, अगर इसको सोल्व करें दोनों को सोल्व किया जा सकता है, दोनों कर्वों को सोल्व करें एक्स के मान निकालें यानी लिमिट पॉइंट एक्स हो जाएंगे और दोनों में एक को बाई वन बाई टू ये वाले फॉर्म में वैल्यू ड्रा कर दें। यहाँ से बाई का मान निकालेंगे अंडर रूट फोर ए एक्स, ठीक, इसको बाई वन कह लेंगे और यहाँ से बाई का मान निकालेंगे एक्स स्क्वायर बटे फोर बी। तो यहाँ पे रख के आंसर निकालेंगे यही आएगा। तो मैं इसको फॉर्मूले की तरह अगर मैं यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे हम डायरेक्टली करना चाह रहे हैं शॉर्ट ट्रिक, इसको कहते हैं कि डायरेक्ट हम उसको फॉर्म की तरह यूज़ कर लें। जैसे ये वाला है बाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स एंड एक्स स्क्वायर बराबर फोर वी वाई का जो एरिया सिक्सटीन ए बी अपॉन थ्री आएगा। तो इस पर अदर क्वेश्चन बनाया जा सकता है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर बराबर एक्स एंड एक्स स्क्वायर बराबर वाई इज कितना आएगा, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स यानी फोर ए इक्वल टू वन है और फोर बी इक्वल टू भी वन है। तो यानी कि फोर ए इक्वल टू क्या हो गया वन एंड फोर बी इक्वल टू क्या हो गया वन। इससे कंपेयरिंग करा रहे हैं, ये जनरल फॉर्मूला मान लेना है, फोर एक्स से कंपेयरिंग कराएंगे तो फोर ए इक्वल टू वन एंड फोर बी वाई से कंपेयरिंग कराएंगे फोर बी इक्वल टू वन। यानी कि ये सिक्सटीन ए बी था तो एरिया था इसका 16 ए बी अपॉन थ्री, तो 16 को 4 ए इंटू फोर भी लिख सकते हैं अपॉन थ्री स्क्वायर यूनिट यानी 1 इंटू वन अपॉन थ्री यानी 1 अपॉन थ्री स्क्वायर यूनिट। तो ये हो गया डायरेक्ट। अगर सोल्व करेंगे तो इसमें भी काफ़ी एक से डेढ़ पेज लगने वाला है और इसमें भी टाइम लगने वाला है। तो ये क्या हो गया, इस फॉर्म को तैयार करें और इसके रिलेशन में बाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स उसके टर्म में है एक पैराबोला, दूसरा पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर बी वाई। अगर उस टर्म में है तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें, यानी इस क्वेश्चन नंबर 22 को एक फॉर्मूले की तरह हम यूज कर सकते हैं। फॉर्मूले की तरह यूज कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट है जैसे कि एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स एंड एक्स स्क्वायर बराबर फोर वाई इज 16 अपॉन थ्री स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये आएगा 16 अपॉन थ्री। कैसे आएगा, इसी फॉर्मूले का यूज करना है सेम टू सेम। देखिएगा इस फॉर्मूले पर डिपेंड अगर और भी कोई क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन तो बनने बहुत बन जाएंगे, तो जनरल सी ये क्वेश्चन ज़्यादा आते रहते। कंपेयरिंग कराएंगे जैसे वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स है,
तो ये था हमारे पास वाई स्क्वायर बराबर 4x, यानी कि 4 इक्वल टू 4 एंड इक्वल टू 1। दूसरा था एक्स स्क्वायर बराबर 4y, इसको कंपेयरिंग करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 4by, तो 4b इक्वल टू 4, b इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ab का मान आ गया और जो एरिया था है ना 16 ab / 3, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो एरिया इक्वल टू 16 ab / 3 स्क्वायर यूनिट, यानी कि 16 ए का मान 1, बी का मान 1/3, यानी कि 16/3 स्क्वायर यूनिट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस, यानी इस वाली फॉर्म पे दो तीन क्वेश्चन और बन चुके हैं। अगर ऐसे और भी क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो एक फॉर्म पे कई क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है हमारा द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाउंडेड वाई वाई स्क्वायर बराबर 16x एंड एक्स स्क्वायर बराबर 16y, इसका एरिया निकालना है क्या होगा, या फाइंड द एरिया आप देखिएगा। तो कंपेयरिंग करेंगे वाई स्क्वायर बराबर 16x से, तो इसको हम कंपेयरिंग करेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से, एंड एक्स स्क्वायर बराबर 16y है, कंपेयरिंग करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by से, यानी कि 4a इक्वल टू 16 हो गया एंड 4b इक्वल टू भी 16 हो गया, यानी a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 4। तो एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन था 16ab/3 स्क्वायर यूनिट, यानी इस वाली फॉर्म में है ना, दो पैराबोला है, एक वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की फॉर्म में है, एक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by की फॉर्म में। तो 16 × 4 × 4/3 मल्टीप्लाइंग कर लेंगे, ये आ जाएगा 256/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इस फॉर्म का एक क्वेश्चन और ये हो गया है। ठीक है, तो मैं मानता हूँ 3 से 4 क्वेश्चन हो गए इस फॉर्म के, काफ़ी हैं, और तो ये फॉर्म इसमें आप आसानी से इस पर क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अब मैं दूसरी फॉर्म यानी कि दूसरा एक फॉर्मूला टाइप में बता देता हूँ ऐसा ही, और उस पर मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं। द एरिया द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड वाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड वाई इक्वल टू mx। देखिएगा, अब की बार क्या है, एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड दूसरी एक लाइन है, यानी वाई इक्वल टू mx एक लाइन है, तो उनसे कटने के बाद जो एरिया आ रहा है वो आ रहा 8a² बाई इतना इज 8a² / 3mq² यूनिट, 8a² / 3mq² यूनिट, ये इसका एरिया है। ठीक है, यानी कि कोई पैराबोला है, ये पैराबोला तो फॉर्म यही वाली है, और एक लाइन है ये वाली, यानी इसका एरिया निकालना है। लाइन इक्वल टू वाई इक्वल टू mx है ये वाली है, और जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो इसका एरिया ये आएगा 8a² / 3m³। अगर सोल्व करें तो 1 से 1.5 पेंच 2 पेंच लगने वाला है, कोई फ़ायदा नहीं है, फॉर्मूले की तरह इसको भी ट्रीट करेंगे, और डायरेक्ट मैं इसको और 2-3 क्वेश्चन बना के दूंगा। नेक्स्ट इस पर ही डिपेंडिंग क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड वाई वाई स्क्वायर बराबर एक्स, एक तो ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड वाई बराबर एक्स इज 1/6² यूनिट, यानी ये आएगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, देखिएगा क्या बनता है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, कंपेयरिंग कर देंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयरिंग करेंगे, 4a = 1 हो जाएगा एंड ए इक्वल टू 1/4। दूसरा है वाई इक्वल टू एक्स, यानी कंपेयरिंग करते हैं वाई इक्वल टू mx से, m इक्वल टू हो जाएगा 1, तो एरिया का फॉर्मूला इसमें लगा लेंगे 8a² / 3mq, 8a = 1/4² / 3m = 1/3 यानी 8 × 1/16 / 3 × 1 8 × 16 या 1/2 / 3/1, तो हो गया 1/6² यूनिट। ठीक है, तो इस पे एक और क्वेश्चन ये हो गया 1/6² यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ 28 नंबर, एरिया ऑफ द रीजन
बाउंडेड वाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स एंड वाई इक्वल टू टू एक्स, ये फाइंडिंग करना है, फाइंड द एरिया। ठीक है, तो एक तो पैराबोला है और एक लाइन है। पैराबोला एंड लाइन फॉर्मूला आपको मालूम ही है, एट ए स्क्वायर वाई थ्री एम क्यू, ऐसे याद भी हो जाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे कंपेयरिंग कर देंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स से कंपेयरिंग कर देंगे, वाई इक्वल टू एम एक्स से कंपेयरिंग, एम इक्वल टू आ जाएगा टू एंड फोर इक्वल टू फोर एंड ए इक्वल टू वन। तो एरिया का फॉर्मूला है हमारा एट ए स्क्वायर वाई थ्री एम क्यू, यानी एट ए का वैल्यू है वन का स्क्वायर वाई थ्री, एम की वैल्यू टू का क्यूब, यानी एट अपॉन थ्री इंटू एट, यानी वन अपॉन थ्री, एट से एट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, वन अपॉन थ्री स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28 हो गया है, आगे बढ़ते हैं 29 की। इसी फॉर्म पे अगर और कोई क्वेश्चन है तो उसको मैं एक साथ दे देता हूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। द एरिया ऑफ द बाउंडेड, एरिया बाउंडेड बाउंडेड बाय द रीजन, दो क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड वाई इक्वल टू एक्स वाई टू, फाइंड करना, सेम ऐसे ही होना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है, फाइंड द एरिया बाउंडेड y द रीजन y स्क्वायर इक्वल टू एट एक्स एंड y इक्वल टू टू एक्स, सेम ऐसे ही है, चार की जगह आठ है केवल, क्वेश्चन वही है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, कंपेयरिंग कर देंगे y स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स से या y इक्वल टू एम एक्स से, एम इक्वल टू आ जाएगा वन बाई टू, या फिर फोर इक्वल टू वन यानी ए इक्वल टू वन बाई फोर, तो एरिया में वैल्यू पुट कर देना है, एट ए स्क्वायर वाई थ्री एम क्यू है। ठीक है, ए एंड एम का वैल्यू पुट कर देंगे, और इस क्वेश्चन में भी सेम टू सेम वैसे ही करना है, यानी ये क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है। ठीक है, तो इसमें भी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ओके, एक ही फॉर्म का क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा।